मम्मी कुछ मीठा दो ना। बच्चे जब मिठाई मांगते हैं और घर में कोई मिठाई ना हो तो हम क्या करें? आज मैं कम सामान में बनने वाली एक मिठाई आपको बताती हूँ, जो आप घर में ही झटपट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की एक ऐसी मिठाई जो बनाने में भी बहुत आसान है और आपको पसंद भी बहुत आएगी। मैंने ये 4-5 ब्रेड लिए थे और मिक्सी में इन्हें चर्न कर लिया है। मैंने ये ब्राउन ब्रेड लिए, आप इसकी जगह व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हो। मैंने इनके साइड्स भी यूज किए हैं, मैंने इनके साइड नहीं काटे हैं। इनको मैं एक बर्तन में ले लूंगी। अगर आपको ब्रेड को चर्न नहीं करना है तो आप ब्रेड को तोड़ तोड़ के भी यूज कर सकते हो, पर उसके लिए आपको साइड्स काटने पड़ेंगे और वेस्टेज होगी। मैं इसमें 50 ग्राम मावा भी डाल रही हूँ, ये घर का मावा था तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप ना यूज करें, क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक आटा गूंद लूंगी। ये दूध रूम टेम्परेचर का है, ये हमें थोड़ा थोड़ा ही दूध डालना है क्योंकि ब्रेड दूध को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। आटा मेरा लग चुका है, अब मैं इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। जितने मेरा आटा सेट हो रहा है उतने मैं चाशनी बनाती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। इसमें मैं 1 कप चीनी डालूंगी। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे जिससे चीनी अच्छे से घुल सके। इसमें मैं 2 इलायची डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं सैफरन स्टैंड डाल रही हूँ। चाशनी हमारी हो चुकी है, इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनाना, इसे थोड़ी थिक्की हनी की तरह रखना है। देखिए कोई तार नहीं बन रहा है पर थोड़ी स्टिकी लग रही है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। आटा हमारा सेट हो चुका है और हाथ में मैं थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस कर लूंगी और इनकी छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी। इस तरह से मैं सबको पेड़े जैसा शेप दे दूंगी। मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए, किनारों में हमें क्रैक नहीं छोड़ना है। अगर क्रैक है तो मैं हाथ से दबा दबा के इन्हें सेट कर लेना है। मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। इसमें मैं अब एक एक करके ये डाल दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, अब इसे मैं निकाल लूंगी। मैंने ये सारे तेल से निकाल लिए और अब मैं अपनी चाशनी में डालूंगी। ये हल्की गर्म रह गई है, अब इन्हें हम ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे दूसरी साइड से पलट दूंगी ताकि चाशनी दोनों साइड से अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। अब इसे हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। मिठाई हमारी तैयार हो गई है, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है, अब इन्हें गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते के साथ। हमारी सर्व करने के लिए तैयार है, देखिए कितनी खूबसूरत मिठाई बनी है। इस तरह से हम कम सामान में घर में ही अच्छी सी मिठाई बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।